बीते 15 नवंबर को दिवंगत साहबुद्दीन की बेटी हेरा साहब की शादी हुई थी। इस शाही शादी की हर तरफ चर्चा रही। मीडिया में भी इस शाही शादी को जबरदस्त कवरेज मिला है। दरअसल पहली बार सिवान में इतनी महंगी और चर्चित शादी हुई है, जिसमें सियासत के बड़े बड़े धुरंधरों ने भी हाजिरी लगा दी है। बहरहाल साहबुद्दीन की बेटी हेरा साहब अपने ससुराल चली गई हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हेरा साहब का ससुराल कैसा है और वहां परिवार में कितने लोग हैं। पूर्व सांसद साहबुद्दीन की बड़ी बेटी हेरा साहब की शादी मोतिहारी के रईस परिवार के लाडले सदमान से हुई है। सदमान भाई में अकेले हैं, उन्हें दो बड़ी बहनें और एक छोटी बहन है। सदमान के पिता सैयद इफ्तिखार अहमद खानदानी रईस हैं और जमींदार परिवार से आते हैं। जिले में उनकी काफी रसूख है। उनके पास आलिशान रानी कोठी, हाथी, घोड़े और मार्केट के अलावा काफी जमीन जायदाद है। उनके चाचा और सैयद इम्तियाज अहमद पुराने फ्रीलांसर फोटोग्राफर हैं। परिवार को जानवरों और पक्षियों से लगाव भी काफी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सदमान के घर की चारदीवारी में कई विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं। इसके अलावा एक तालाब है जहां कई यूनिक और प्यारे पंछी मिल जाएंगे। साहबुद्दीन के दामाद के घर के कैंपस में हाथी, घोड़े भी मिल जाएंगे। सदमान के पास रानी कोठी, हवेली, मार्केट के अलावा करोड़ों की संपत्ति है। बता दें कि 18 नवंबर को मोतिहारी में रिसेप्शन का आयोजन होगा। इस रिसेप्शन में भी सिवान समेत बिहार भर की राजनीतिक हस्तियां शामिल होने वाली हैं। मोतिहारी के लोकल नेताओं की हाजिरी तय मानी जा रही है। इसमें राजन तिवारी सरीखे नेता शामिल हैं। इससे पहले 15 नवंबर को सिवान में शादी के आयोजन में 50,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। शाही शादी में लोगों को खाना खिलाने के लिए 500 चूल्हे तैयार किए गए थे, जिस पर मांसाहारी और शाकाहारी खाना बना। बंगाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ व बाहर के कई जगहों से कुक को बुलाया गया था। शादी की तैयारी कई दिनों से चल रही थी। कहा जा रहा है कि ओसामा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। यही वजह है कि हेरा साहब की शाही अंदाज में शादी कराई गई।